आपको दिखाते हैं कैसे कानून की धज्जियां उड़ी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने इस कानून की धज्जियां उड़ाई। आचार संहिता के भी ये खिलाफ है, लेकिन देखिए कासगंज में जब इस नेता ने वोट मांगे तो कैसे वीडियो भी वायरल हुआ और विवादित बोल आ गए सबके सामने। किसी मुसलमान ने जो है थाने का गेट नहीं देखा था, किसी मुसलमान को थाने चौकी का गेट नहीं मैंने देखने दिया था। ये वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल है। इस वीडियो में जो शख्स दिख रहे हैं वो हैं समाजवादी पार्टी के नेता, नाम है हसरत उल्ला खान। यूपी के कासगंज में बाकायदा प्रत्याशी हैं, लेकिन बोल तो देखिए। कितने लोग अभी भी जेल में हैं जिनका कोई। 6 फरवरी को कासगंज की मस्जिद में उन्होंने जो कुछ कहा उसकी इजाजत कम से कम संविधान और आचार संहिता तो नहीं देती। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी धर्म और जात के नाम पर वोट मांगने पर रोक लगा दी है, लेकिन ये महाशय बेपरवाह हैं, चुनाव जीतने के लिए खुलकर धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक वोट की कीमत कम नहीं होती है भाइयों, ये वोट जो है बड़ा सोच समझ करके देना है। पीछे भी आपने 5 साल देखे थे, किसी मुसलमान ने जो है थाने का गेट नहीं देखा था। इस वीडियो में समाजवादी उम्मीदवार न सिर्फ धर्म का कार्ड खेल रहे हैं बल्कि मुसलमानों को पुलिस का डर भी दिखा रहे हैं। किसी मुसलमान को थाने चौकी का गेट नहीं मैंने देखने दिया था। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि मोटरसाइकिल रोक ली तो उसको थाने तक पहुंचा दे। बड़ी हैरानी होती है, नेता वोट के लिए क्या क्या नहीं करते। समाज को बांटते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, धर्म का बेजा इस्तेमाल करते हैं। आखिर जनता के कैसे नुमाइंदे हैं ये?